बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आइए जान लेते हैं आज की ताज़ा खबर के बारे में। पुलिस ने पकड़ी 4 लाख की नकली शराब। शिवारा कला पुलिस व स्वाट टीम ने अवैध तरीके व केमिकल द्वारा तैयार की गई अवैध शराब की फैक्ट्री का आज भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 अभियुक्तों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, साथ में एक मारुति व 2 बाइक सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है। दरअसल आगामी त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब को लेकर SP के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवारा कला पुलिस व स्वाट टीम ने मुराहट के जंगल में बने मकान में केमिकल द्वारा तैयार की गई शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, देशराज, अनित व गुड्डू। तीनों अभियुक्तों में से देशराज जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख की शराब तथा मारुति व 2 बाइक सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। नागपुर पुलिस द्वारा 15,000 के 2 इनामी अभियुक्त अरविंद और मिथुन, इनको गिरफ्तार किया है। ये शराब तस्कर थे, इनके खिलाफ अनेक मुकदमे कायम थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये वांछित चल रहे थे। कल स्थानीय पुलिस ने बलीपुर गावड़ी से इनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा जा रहा है। इसके पश्चात 14(1) के अंतर्गत 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उनके कुर्की और नीलामी की कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी।